रायबरेली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वर्षगांठ कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल आधारित एवं शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और विज्ञान महाशक्ति में बदलना है। शिक्षार्थियों में भारतीय होने का गौरव पैदा करना और उनके ज्ञान कौशल के मूल्यों का विकास करना, जो वास्तविक में वैश्विक नागरिक बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का लक्ष्य शिक्षा माध्यम शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। स्कूल और दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जीने जैसे जटिल विषयों में भी 13 से अधिक भारतीय भाषाओं को पेश किया जा रहा है। इससे भारतीय ज्ञान प्राणियों की संपदा को मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों के तहत प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ये प्रेस वार्ता एनईपी पे बेहतर समझ के लिए बुलाई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एनईपी 2020 को ही लॉन्च कर दी है, उसकी बेहतर प्रचार और प्रसार के लिए और जो निपुण भारत मिशन एनईपी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। एनईपी क्या है, इसके तहत क्या क्या सुधार किए गए हैं, बच्चे को कैसे विद्यालय के लिए तैयार करना है, कैसे शिक्षकों में बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे बच्चों का असेसमेंट करना है, उनके अधिगम स्तर की जाँच करनी है, इसके विषय में जो है हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।